नमस्ते छात्रों, ग्रेड 4 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। बच्चों, हमारे पाठ का नाम है अखिल का कुत्ता। हमारे उद्देश्य है पाठ के आवश्यक अंग पढ़ना, बहुविकल्प प्रश्न प्लस संशोधन, और अंत में पूरे वाक्यों के प्रश्न प्लस संशोधन। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम केवल पाठ के आवश्यक अंग पढ़ेंगे जहां पर प्रश्नों के उत्तर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अखिल के पास एक प्यारा सा कुत्ता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। अखिल अपने कुत्ते को तोबी नाम से बुलाता है। तोबी का रंग काला और भूरा है। वह झबरा है। उसके दोनों कान बड़े और लंबे हैं। तोबी एक समझदार कुत्ता है। उसकी सुनने की शक्ति बड़ी तेज है। किसी अनजान आदमी या दूसरे कुत्ते की आहट सुनकर वह भौंकने लगता है। अखिल की माताजी प्रतिदिन तोबी का खाना तैयार करती हैं। वे रोज सवेरे उसे दूध देती हैं और शाम को खाना भी देती हैं। हर रविवार को वे उसे नहलाती हैं। जब कभी तोबी बीमार होता है तब अखिल के पिताजी उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं। हर साल उचित समय पर तोबी को टीका लगवाया जाता है। अंतिम अनुच्छेद पढ़ेंगे। तोबी मांसाहारी खाना चाव से खाता है। अखिल को देखकर और अपना नाम सुनकर तोबी दुम हिलाता है। वह अखिल से पंजा मिलाना पसंद करता है। तोबी एक बड़ा प्यारा कुत्ता है। चलिए अब हम बहुविकल्प प्रश्न शुरू करेंगे। निर्देश पढ़िए बच्चों। इन प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, तोबी का रंग कैसा है? क, काला और सफेद। ख, काला और भूरा। ग, काला और मटियाला। उत्तर पाने के लिए हमें पाठ में खोजना होगा। बच्चों, सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर अनुच्छेद का एक चित्र लगाया है। हम इसमें से उत्तर को खोजेंगे। अखिल के पास एक प्यारा सा कुत्ता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। अखिल अपने कुत्ते को तोबी नाम से बुलाता है। तोबी का रंग काला और भूरा है। बच्चों, यहीं पर हमारा उत्तर है, काला और भूरा। हमारा उत्तर होगा ख, काला और भूरा। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तोबी की ब्लैंक तेज है। क, भौंकने की शक्ति। ख, दौड़ने की शक्ति। ग, सुनने की शक्ति। चलिए पाठ में ढूंढेंगे। मेरे साथ पढ़िए बच्चों। तोबी एक समझदार कुत्ता है। उसकी सुनने की शक्ति बड़ी तेज है। हमें उत्तर मिल गया, सुनने की शक्ति। हमारा उत्तर होगा ग, सुनने की शक्ति। तीसरा प्रश्न लेंगे। तोबी कैसा खाना चाव से खाता है? क, मांसाहारी खाना। ख, शाकाहारी खाना। ग, बासी खाना। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। तोबी
दूध पीना पसंद करता है, वह लप लप दूध पीता है। अभी तक उत्तर नहीं मिला है, आगे पढ़ना होगा। अखिल के पिताजी टोबी के लिए हर रविवार को डिब्बे का विशेष खाना खरीदते हैं। टोबी मांसाहारी खाना चाव से खाता है। हमें हमारा उत्तर मिल गया, मांसाहारी खाना। हमारा उत्तर होगा क, मांसाहारी खाना। चौथा प्रश्न लेंगे, टोबी अपना नाम सुनकर क्या करता है? क, भौंकता है। ख, काटने दौड़ता है। या फिर ग, दुम हिलाने लगता है। बच्चों, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। वह अखिल के साथ खेलना पसंद करता है। अखिल को देखकर और अपना नाम सुनकर टोबी दुम हिलाता है। क्या करता है? दुम हिलाता है। हमें हमारा उत्तर मिल गया, हमारा उत्तर होगा ग, दुम हिलाने लगता है। निर्देश पढ़ेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए। इस अभ्यास के लिए हमें उत्तरों को पूरे वाक्यों में लिखना होगा। पहला प्रश्न देखेंगे, क, अखिल का कुत्ता कैसा है? उत्तर पाने के लिए हमें पाठ पढ़ना होगा। चलिए उत्तर ढूंढते हैं बच्चों। अखिल के पास एक प्यारा सा कुत्ता है। क्या हमें उत्तर मिला? हाँ बच्चों, यहीं पर हमारा उत्तर है। अखिल का कुत्ता कैसा है? अखिल का कुत्ता प्यारा है। अब हम उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखने के लिए हमें प्रश्न में से कैसा शब्द को निकालना होगा। कैसा निकालकर हम अपना उत्तर लिखेंगे? हम प्यारा लिखेंगे। बच्चों, आप कलम लीजिए, साथ साथ लिखिए। अखिल का कुत्ता प्यारा है। आपने देखा बच्चों, कैसा की जगह पर हमने प्यारा लिखा है। बहुत ही आसान है। अखिल का कुत्ता कैसा है? अखिल का कुत्ता प्यारा है। अनजान आदमी की आहट सुनकर टोबी क्या करता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर साथ में ढूंढते हैं। मेरे साथ अनुच्छेद पढ़िए बच्चों। टोबी एक समझदार कुत्ता है। उसकी सुनने की शक्ति बड़ी तेज है। क्या हमें उत्तर मिला? नहीं। किसी अनजान आदमी या दूसरे कुत्ते की आहट सुनकर वह भौंकने लगता है। क्या यह हमारा उत्तर है? हाँ बच्चों, यहीं पर हमारा उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हमें प्रश्न में से ही एक शब्द को निकालना होगा। कौन सा शब्द है बच्चों? क्या? हम प्रश्न में से क्या को निकालेंगे, फिर अपना उत्तर डालेंगे। अनजान आदमी की आहट सुनकर तो भी क्या करता है छात्रों? वह भौंकने लगता है। हमें यह शब्द चाहिए। छात्रों, आप कलम लीजिए, हम साथ में उत्तर लिखेंगे। अनजान आदमी की आहट सुनकर टोबी
भौंकने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, माताजी कब कुत्ते को दूध देती हैं? चलिए बच्चों पाठ में पढ़ेंगे। अखिल की माताजी प्रतिदिन तोबी का खाना तैयार करती हैं। क्या हमें उत्तर मिला? नहीं, वे रोज सवेरे उसे दूध देती हैं। क्या यह हमारा उत्तर है? हाँ बच्चों, यहीं पर हमारा उत्तर है। उत्तर लिखने के लिए हमें प्रश्न में से एक शब्द निकालना है। कौन सा शब्द है? कब। कब की जगह पर हमें रोज सवेरे लिखना होगा। चलिए आप कलम लीजिए, हम उत्तर लिखेंगे। माताजी रोज सवेरे कुत्ते को दूध देती हैं। अगला प्रश्न लेंगे बच्चों। घ, पिताजी कब तोबी को पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं? चलिए पाठ में देखेंगे। जब कभी तोबी बीमार होता है तब अखिल के पिताजी उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं। क्या हमें उत्तर मिल गया छात्रों? हाँ बच्चों, यहीं पर हमारा उत्तर है। उत्तर लिखने के लिए हमें प्रश्न में से कौन सा शब्द निकालना होगा? हमें कब निकालना होगा? कब निकालकर हम वाक्य का पहला भाग डालेंगे। बच्चों आप कलम लीजिए, हम साथ में लिखेंगे। जब कभी तोबी बीमार होता है तब पिताजी उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं। अंतिम प्रश्न लेते हैं बच्चों। कौन पंजा मिलाना पसंद करता है? चलिए हम पाठ में खोजते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अखिल को देखकर और अपना नाम सुनकर तोबी दुम हिलाता है। वह उछलने कूदने लगता है। क्या हमें उत्तर मिला? नहीं, वह अखिल से पंजा मिलाना पसंद करता है। क्या हमें उत्तर मिला छात्रों? हाँ, हमें हमारा उत्तर मिल गया। उत्तर लिखने के लिए हमें कौन सा शब्द निकालना है? हमें कौन निकालना होगा? चलिए हम उत्तर लिखेंगे। छात्रों, कौन की जगह पर हम वह नहीं डाल सकते हैं? यहाँ पर वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर वह शब्द तोबी के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए हमें तोबी का नाम डालना होगा। चलिए लिखते हैं। तोबी पंजा मिलाना पसंद करता है। आज का पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।